नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, आज आपको मिलाते हैं अपने छोटे भाई मिस्टर हेमराज ठाकुर जी से। जय शंकर भगवान की। और भाई, बेसिकली ये है मेरे मामा जी के छोटे पुत्र बब्बी भाई। मेरे मामा जी के छोटे पुत्र हैं, इनका पूरा नाम हेमराज ठाकुर है, बब्बी हम इनको प्यार से बोलते हैं। मेरा वैसे बब्बी भाई का नाम सेम है, मेरा भी हेमराज नाम है, बब्बी भाई का नाम भी हेमराज है। सो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपने बब्बी भाई देंगे आपको इन्फॉर्मेशन अपने कीवी ऑर्चर्ड के बारे में कि किस तरह का इनका कीवी ऑर्चर्ड का सफ़र रहा। तो आइए वीडियो में आपको सीधे लिए चलते और आपकी आपसे इनकी बात करवाते हैं। कैसे हैं आप? बढ़िया, आप सभी कैसे हैं? तो आप बताएंगे कुछ कि कहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई और क्या आपका विजन है, कहाँ से आपने शुरू किया था, मतलब क्या सोच के यहाँ पर शुरू किया था, इतनी दूर बगीचा लगाना आपने क्या सोच के किया है काम? तो मैंने जो है कीवी प्लांटेशन जो है वो 2023 में स्टार्ट की थी, जनवरी में। तो उसमें मैंने जो है अप्रोक्सीमेट जो है 11-12 प्लांट लगाए थे उस टाइम। तो मैंने इतना सोचा नहीं था कि करने के बारे में कि मैं इतना ज़्यादा करूँगा। तो मैंने 10-11 प्लांट लगाए थे जस्ट टेस्टिंग के लिए कि हमारे किस प्रकार की ग्रोथ हो रही है। तो उसमें जो है वो मैं आपको आगे बताऊँगा वीडियो में। तो उसके बाद जो है फिर जो है नेक्स्ट ईयर जो है उसी ईयर 2023 में ही नवंबर में मैंने काम स्टार्ट किया था पर्याले ऑर्चर्ड का। तो वो आपको भाई ने बताएंगे अभी। तो उसमें काम किया था मैंने। उसके बाद जो है जून जुलाई में अप्रैल मई में जो है फिर से काम स्टार्ट हुआ था जिसमें गड्ढे वगैरह हुए। तो उसमें ही जो पाइपलाइन का काम हुआ था, ये देखिए पाइपलाइन। तो ये है 1.5 इंची लाइन जो है जिसमें जो है 40 पाइपें बिछी हुई है। तो ये है, ये मेरे दूसरे प्लॉट के लिए मतलब बिछी हुई यह बेसिकली 1.5 इंच की लाइन है और इसमें गई 40 पाइपें भाई ने बिछा रखी है। और ये ही जो ये लाइन है ये नीचे से आई हुई है खड्ड से। तो उसमें जो है उसमें 30 पाइपें पहले ही बिछी हुई है। तो वहाँ पे मशीनरी वगैरह लगी हुई है जहाँ से जो लिफ्ट होता है पानी। और मैं भाई को बताऊँगा पीछे वो टैंक है जो आपको बताएंगे भाई कि वहाँ पे जो है टैंक दिखा दीजिए। ये देखिए टैंक गाइस सामने इसके साथ जो आपको पाइप दिख रही है। हाँ जी, जो है नीचे से आई हुई है जी। वो मैं आपको नीचे से बताता हूँ कि नीचे आइए मेरे साथ, मैं आपको ले चलता हूँ नीचे जहाँ से जो है ये ज्वाइंट वगैरह हुआ है। तो ये लाइन है यहाँ पे बिछी हुई, जो ये वाली लाइन है ये नीचे से आई हुई है लास्ट ईयर की है। और ये लाइन जो है अभी बिछी हुई है जुलाई में। तो ये लाइन नीचे से आई हुई है, तो काफी मतलब दूर है नीचे। तो बब्बी भाई, इसमें आपने काम भी बड़ा तगड़ा कर रखा लाइन। मैंने देखी आप कितनी शानदार तरीके से लाइन बिछा रखी है। और ये हमारे हैरी जी जिन्होंने ये पूरा काम किया हुआ है इस पाइप लाइन का। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सहयोग दिया हम। तो ये एक्चुअली में जैसे ये जो कीवी ऑर्चर्ड है ये लगाया था मैंने 2023 जनवरी में। तो इस ऑर्चर्ड में अभी अप्रोक्सीमेट जो है 11-12 प्लांट उस टाइम लगाए हुए, पर दो अनफॉर्चुनेटली जो दो प्लांट जो है एक्सपायर हो चुके थे। तो उसके बाद फिर मैंने प्लांट के लगाए थे लेकिन वो भी कुछ उस प्रकार की ग्रोथ चल रही है। आइए आपको दिखाते हैं सेंटर से, क्योंकि यहाँ पे जो है तार जो है बीछे नहीं है अच्छे तरीके से। तो ये बीछे ही नवंबर दिसंबर में जिन प्लांट्स की जो है पत्तियाँ निकल जाएंगी। तो ये देखिए आपको मैं भाई से बोलूँगा कि आप दिखाइए इनसे। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले भी वीडियो में दिखाया ही था कि इस प्रकार से यह मेरे भाई ने इसके ऊपर जो तार की जो ऊपर से डेकोरेशन मतलब इसके लिए जो जो पौधे के सपोर्ट के लिए इन्होंने यह तारे लगाई है पूरे के पूरे ऑर्चर्ड में आप देख सकते हैं। इस प्रकार से मैक्सिमम जो भी कीवी का नया बगीचा लगाना चाहते हो भाई साहब को जरूर फॉलो करें। तो एक्चुअली मैं यहाँ देखिए आप इस सभी में जितना भी है ये 2.5 इंच और 3 इंच एंगल लगा हुआ है, पैंट 5 और पैंट 6 एंगल लगा हुआ है। बाकी ये सभी जितनी वैरायटी ये सारी जो है एलिसन है और इसमें जो है अप्रोक्सीमेट 3x3 के गड्ढे हुए हैं। एलिसन वैरायटी का यह प्लांट है, 3x3 इसके लिए गड्ढा हुआ है। चैनल क्या साइज रहेगा जी? 65 और 65/6 का और ऊपर से लगेगी वायर। ये वायर लगेगी 6mm और 8mm, 6mm और 8mm ये लगती है इसमें। अच्छा जी, तो आइए आपको पर्याला बगीचा दिखाते हैं। दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं बब्बी भाई के जो मेन ऑर्चर्ड है उसमें। आप देख सकते हैं किस प्रकार से इतना बड़ा और शानदार यह दिख रहा है यहाँ से। और गाइस, बहुत मेहनत सामने दिख रही है, देखो किस प्रकार की मेहनत भाई साहब ने की हुई है। इस ऑर्चर्ड में अप्रोक्सीमेट 110 से प्लांट ऊपर लगे हुए, तो मतलब और इसमें मोस्टली जो है एलिसन वैरायटी लगाई हुई मैंने। वैसे हेवर्ड भी लगाई हुई पर हेवर्ड कम होती है क्योंकि हेवर्ड के लिए जो है टेम्परेचर जो है ज़्यादा चिलिंग और जो है ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो वो हेवर्ड हमारे सक्सेसफुल नहीं होता, तो हमने एवर्ड लगाया वो टेस्टिंग के लिए। अभी देखते हैं कि वो किस प्रकार से ग्रोथ करता है। अगर ग्रोथ करेगा तो आपको बताएंगे आगे, अगर नहीं करेगा तो उसको निकाल के एलिसन लगाएंगे। बाकी आप ऑर्चर्ड देखिए, इसमें ड्रिप इरीगेशन सिस्टम जो है अभी बिछना बचा हुआ है। बाकी यहाँ पे हर जगह जो है पाइपलाइन आई हुई है।
टैंक से, ये देखिए यहाँ पे भी। तो गाइज इस जो ऑर्चर्ड में बेसिकली भाई साहब कह रहे हैं कि भी इसमें पूरे जितने भी ऑर्चर्ड है इसमें पूरा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का मतलब होता है कि हर पौधे में पानी पहुंचेगा, जिससे इसको मतलब जो अगर अभी पौधे में जैसे पानी दे रहे होंगे तो उसमें पानी वेस्टेज होता है, लेकिन ड्रिप इरिगेशन जो सिस्टम होता है उसमें पानी वेस्टेज ना के बराबर होता है। हाँ जी, इसमें जो है बाकी इसके बाद जो है एंटी हिलनेट बिछेगा। एंटी हिलनेट क्या होता है जी? एंटी हिलनेट होता है कि वो ओलावृष्टि से बचाता है। अच्छा, ओलावृष्टि सनलाइट जो होती है डायरेक्ट के लिए उसे बताता है। अच्छा बबी भाई, मतलब आपका ना क्या विजन को मतलब विजन क्या था माइंड में कि क्यों आपने यहाँ पर कीवी ऑर्चर्ड लगाया और क्यों आपको यह सूझी कि भाई मुझे कीवी ऑर्चर्ड लगाना, क्या दिक्कतों का सामना इससे पहले आपको इस जगह पे करना पड़ता था? वैसे विजन तो एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे मोटिव तो पैसा ही होता है, सभी का बिजनेस जो भी करता है उसका मोटिव पैसा ही होता है। तो वैसे लगाया तो मैंने पैसे के लिए था, क्योंकि आपको पता है कि इसकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा महंगा बिकता है, तो उसी लिए लगाया था मैंने वैसे। और बाकी शौक भी था, मैं दादाजी भी करते थे, पिताजी भी करते थे, उसके बाद मैंने भी कर लिया स्टार्ट। मेरा बिजनेस तो बिजनेस होता है, आप चाहे किसी का कर लीजिए। बहुत अच्छी बात है। इसका तात्पर्य ये है दोस्तों कि एक्चुअली हम लोग बचपन में यहाँ पे आया करते थे इधर अपने नानी के घर, तो यहाँ पे एक समस्या का बहुत ज्यादा सामना भाई लोगों को करना पड़ता था। यहाँ पे बहुत ज्यादा बंदर है भाई, हमने बंदर की जुगाड़ी ना इस गांव से ही सीखी है। जो बंदर की जुगाड़ी करते हैं ना, हम जब छोटे छोटे होते तो हमारे को मामा जी भेजा करते थे, हम मतलब जैसे जाते हैं नीचे, तो इधर नीचे ना भाई की नीचे जाके ना इधर इनके बाउंड्री भी है तो वहां पे हम बंदर दौड़ाने वो जाने नीचे तक, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बंदर थे। उस वजह से मुझे लग रहा भाई साहब के माइंड में ये जरूर होगा कि भाई बंदर को, बंदर खाते हैं इसको? नहीं बंदर नहीं खाते इसको, इसको बाल होता है थोड़ा सा, वो धागा टाइप होता है, उसको खा नहीं सकता है, खाते तो उनके मुंह में फंस जाता है, तो इसको खाते नहीं है। तो अच्छा, मतलब इसमें जो आपके जंगली जानवर कोई जंगली इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, मतलब नेचुरल होता है पूरा फ्रूट, ना इसमें कोई जंगली जानवर खाते इसको। स्टार्टिंग में मतलब इसकी जो पत्ती होती है वो छोटे छोटे कीड़े वगैरह खाते हैं, तो उनसे बचाना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं खाता इसको, बाकी ना इसको कोई भी पक्षी खाता है ना ही कोई जानवर खाता है, बस ये सिर्फ ह्यूमन ही खा सकते हैं इसको। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो भाई साहब ने मेरे को बहुत साफ और क्लियर बताई कि भाई एंड ऑफ द डे अगर आप किसी चीज पे इन्वेस्ट कर रहे हैं अगर आप उसको रिटर्न ना ला पाओ तब आपको दिक्कत रहती है। तो इसीलिए इसका मेन पर्पज होता है हमारा किसी भी बिजनेस को करने का कि हम लोग उससे अर्निंग कर सके। तो भाई बहुत जल्द आपको बबी भाई इस बार इन्होंने फ्रूट भी लिया कितना एक दो? इस बार मैंने फ्रूट इसलिए नहीं लिया क्योंकि जो प्लांटेशन होती है उसको आप ग्रो करने देना पड़ता है, एक बार वो ग्रो हो गया तो आपको फ्यूचर में वो अच्छी प्रोडक्शन देगा। अगर अभी आप बच्चे में ही ले लेंगे, छोटे प्लांट में ही ले लेंगे, तो फिर दिक्कत करता है फ्यूचर में, तो इसलिए मैंने इस बार छोड़ दिया था। वैसे ये ऑर्चर्ड जो है इसी साल लगाया हुआ है, उस ऑर्चर्ड में फ्लावरिंग आ चुकी थी लेकिन मैंने छोड़ दिया, बिकॉज आपको पता होता है कि प्लांट जब बड़ा होगा तो ही वो फ्रूट अच्छे से देगा, अगर आप उसे छोटे से ले लेंगे तो वो दिक्कत करता है फिर बाद में। तो बबी भाई मैक्सिमम लोग आज के समय में जैसे आपका एप्पल्स हो गया, टमाटर हो गया, इन फसलों पर ज्यादा ध्यान देते, तो आप सजेस्ट करना चाहोगे लोगों की इसको लगाएं? मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि जैसे आप एप्पल लगाते हैं तो एप्पल के लिए क्या होता है, बहुत सारे पंछी स्प्रे बहुत लगती है, और इसके लिए स्प्रे कुछ नहीं लगती। अगर आप टमाटर वगैरह लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि फसल खराब होने की दिक्कत होती है या बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, या इंश्योरेंस करवा लीजिए आप वन टाइम इसकी इन्वेस्टमेंट। आपका कहने का तात्पर्य यह है कि इसकी जो ये जो ऑर्चर्ड है इसकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद केवल और केवल आपको इसको ध्यान रखना है और पानी वगैरह देना है। अच्छा अच्छा, तो इसमें पानी की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, और मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि अगर आपके पास पानी है तो ही इस प्लांट को लगाएंगे, लेकिन अगर आपके पास पानी नहीं तो ना इसको कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत पानी कंज्यूम करता है, बहुत ज्यादा पानी, जिसको बोलते हैं हद से ज्यादा पानी कंज्यूम। तो भाई जिस भी भाई को यह प्लांटेशन करवानी है, जहां भी करवानी है, वहां पर सबसे पहले जरूरत होती है पानी की। तो भाई का कहना है कि पानी यहां पर आप लोग जहां पर वहीं पे लगाएं जहां पर पानी है। तो ये थे अपने बबी भाई, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे जो भी दोस्त इस ऑर्चर्ड को लगाना चाहते हैं तो इनसे, इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इनका यूट्यूब चैनल हेमराज ठाकुर ब्लॉग्स को भी आप सब्सक्राइब करें, वहां पर आपको पूरी जानकारी कीवी के बारे में मैक्सिमम मिलेगी। और ये है जी इस कीवी ऑर्चर्ड में पानी पहुँचाने वाले कार्यकर्ता और माली भी आप कह सकते हैं। सो ये थी गाइज अपने
छोटे भाई के कीवी ऑर्चर्ड की एक प्यारी सी स्टोरी। तो अगर आप भी दोस्तों इस कीवी ऑर्चर्ड को लगाना चाहते हो भाई से संपर्क कर सकते हैं। तो अभी मैं श्राद्ध श्रुद खा के निकल दिया यहाँ से घर की तरफ, और यहाँ पर उठा रखा मैंने पंडित जी का सामान। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब।